तो है इस बार साहब, आई एम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। और मैं आज भी एक नया क्रिकेट 19 का वीडियो लेकर आया हूँ। मैंने क्रिकेट 19 का एक सीरीज स्टार्ट किया था, उसका नाम था फेबुलस 5। वो बहुत दिन पहले स्टार्ट किया था, आपको मालूम है, हो सकता है मालूम है, भूल भी जा सकते हो क्योंकि मैंने उस बहुत दिन पहले खेला था। तो मैं वो सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने वाला हूँ। उस सीरीज में सिर्फ दो ही मैच खेला था, एक था आई थिंक कौन किसके साथ किसका था मेरे को अभी याद नहीं है। एक था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच, जो हमारा साउथ अफ्रीका ने जीत लिया, और जो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच था, जो इंडिया ने न्यूजीलैंड ने जीत लिया। और मैच का जो रूल्स था वो मैंने डिसाइड किया था, जिसका होम मैच होगा मैं उसके साथ खेलूँगा। तो यहाँ पर इंडिया एक हार गया था, मैं इंडिया को लेकर खेला था और इंडिया हार भी गया था। तो ये रहा इंडिया का पिछले वाले इंडिया के मैच का स्कोर कार्ड, जो बेंगलुरु में खेला गेम हुआ था। मार्टिन गैप्टिल भी मैन ऑफ द मैच हुआ था। तो आज जो मैच है वो है इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच। ये मुंबई पे है, मतलब इंडिया की होम ग्राउंड है, इसीलिए मैं इंडिया से खेलूँगा, मतलब इंडिया के होकर खेलूँगा। तो चलो मैच को शुरू करते हैं। तो आप यहाँ बात देख सकते हो, इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच मैच है, वो फेबुलस 5 का टूर्नामेंट का मैच है और मुंबई पे मैच है। ठीक है, प्लेइंग 11 मेरे को नहीं लगेगा क्योंकि ग्रास मीडियम पिच है, ठीक है, मतलब फास्ट बॉलर को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। यहाँ पर हमारे दो कैप्टन विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी आ गया है टॉस करने के लिए। विराट कोहली ने सिक्का उछला, साउथ अफ्रीका ने क्या बोला अभी तक मेरे को मैंने देखा नहीं। इंडिया ऑन दी टॉस, टेल्स गिरा, इंडिया ऑन दी टॉस। तो इंडिया पहले बल्लेबाज नहीं, मैं तो पहले गेंदबाजी करने वाला। तो यहाँ पर हमारा फास्ट ओवर लेकर आ गया भुवनेश्वर कुमार, जो आउट स्विंग कराने वाला है गुड लेंथ से, देखते हैं क्या होता है। ओ उठा के मारा यहाँ पर क्विंटन डीकॉक के, और पहली गेंद पे चौका मिल गया। क्विंटन डीकॉक को पहली गेंद पे चौका मिल गया क्योंकि क्विंटन डीकॉक ने उठाया शॉट, उठा दिया शॉट को बहुत बढ़िया से। तो बहुत बढ़िया शॉट था ये। अब ये कटर बॉल यूज कर रहा है भुवनेश्वर कुमार ने, और बहुत सही। और यहाँ पर और भुवनेश्वर कुमार ने क्विंटन डीकॉक को कॉटन बोल्ट कर दिया, बहुत बढ़िया से कैच लिया भुवनेश्वर कुमार ने। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं फिर से रिप्ले दिखाता हूँ, देखो भुवनेश्वर कुमार ने बहुत स्लोअर गेंद था और ऑफ कॉर्नर गेंद था, तो वहाँ पर क्विंटन डीकॉक ने बॉल को चार्ज नहीं कर पाया, सिर्फ डिफेंस किया। और यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार ने क्या कैच लिया डाइव मार के, मतलब क्या कॉर्डन बॉल था, बहुत से। यहाँ पर क्विंटन डीकॉक आउट हो गया, भुवनेश्वर कुमार ने कॉर्डन बॉल कर दिया, सही है। अब इन स्विंग, ये बहुत तेज इन स्विंग आएगा, वो भी उठा के मारा, लेकिन यहाँ पर कोई भी फील्डर नहीं है और एक चक्का चला गया। एक फील्ड आता है भुवनेश्वर कुमार, क्योंकि इसका जो 60 नंबर है 15, इसीलिए मैंने बोला है भुवनेश्वर कुमार है, लेकिन पहुँच नहीं पाया। बहुत बढ़िया खलील का लास्ट गेंद, खलील का ओवर का, वो भी आउट स्विंग, बहुत तेजी से आउट स्विंग गुड लेंथ से, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पर कौन विकेट कीपर है, आई थिंक ऋषभ पंत ने मिस कर दिया, लेग बाई की तौर से एक रन मिल गया। गेंद कुलदीप यादव की, वो स्लाइड गेंद कराएगा गुड, आई थिंक फुल लेंथ से कराएगा, फुल लेंथ से स्लाइड गेंद, और सीधा उठा के मारा हेंड्रिक्स ने, और ये जाएगा छक्का नहीं गया, चौका, सीधा उठा के मारा है हेंड्रिक्स ने, बहुत बढ़िया शॉट था। अब देख सकते हो, ओहो सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड शॉट था, बहुत बढ़िया। और ये उठा के मारा है, लेकिन इधर कोई फील्डर नहीं है, और एक चौका के लिए हेंड्रिक्स के खाते पे, और एक चौका। कुलदीप यादव ऑफ स्टंप की बाहर गेंदबाजी किया था और उठा के मार दिया। अब आ गया जसप्रीत बुमराह, पहली गेंद स्लोअर योर कर कराएगा जसप्रीत बुमराह, देखते हैं क्या होता है। और पहली गेंद एज लग कर पैड पे लगा, इसीलिए अपील नहीं किया, नहीं तो अपील करता, ज़रूर अपील करता। दूसरा भी गेंद स्लोअर योर कर, वो भी हेंड्रिक्स को, क्या होता है देखने वाले होता है। हेंड्रिक्स ने अंदर आते हुए गेंद को, मतलब सफल करके अंदर आए, फ्रंट फुट पे फ्लिक करके बहुत बढ़िया शॉट खेला। यहाँ पर देख सकते हो, बहुत बढ़िया शॉट था ये। अब जसप्रीत बुमराह की थोड़ा सा अलग टाइप का गेंद करना पड़ेगा, ईयर कट में कुछ काम नहीं हुआ। जसप्रीत बुमराह की ये वाली गेंद को तो हेंड्रिक्स ने पूरा जसप्रीत बुमराह की सर के ऊपर से उठा दिया, और बहुत बढ़िया चौका।
अब क्रॉस सिम पे एक जसप्रीत बुमराह बॉल डालेगा, वो भी गुड लेंथ से बॉल डालेगा बहुत तेज़ी से, और लेकिन हेंड्रिक्स ने बॉल को भी उठा दिया बहुत बढ़िया से, और एक चक्का छक्का मारने का कोशिश था लेकिन छक्का नहीं गया था, आई थिंक टाइमिंग नहीं कर पाया, लेकिन शॉट तो बहुत बढ़िया सीधा बल्ले से खेला। जसप्रीत बुमराह की लास्ट गेंद स्लोअर आएगा आई थिंक, हाँ स्लोअर, ओ ए भी उठा दिया, ए भी बहुत बढ़िया उठा के मारा, और ए भी और चौका, छक्का मारने का कोशिश उसका जारी रहेगा हेंड्रिक्स का, लेकिन छक्का नहीं मिलने वाला। अब आ गया हमारा हार्दिक भैया, पहली गेंदबाजी 38 रन हो गया हार्दिक पांड्या की पहली गेंद, वो भी बाउंसर बहुत बढ़िया बाउंसर था, आई थिंक एज हुआ इसलिए हार्दिक पांड्या ने बहुत बढ़िया खेल किया, लेकिन नहीं, नो चैलेंज, नहीं करूँगा थर्ड अंपायर पे रिव्यू क्योंकि मेरे को मालूम है एज नहीं लगा। दूसरा गेंद हार्दिक पांड्या की, और बहुत बाहर बहुत बढ़िया, आई थिंक अंपायर वाइड देगा, नहीं दिया, बहुत सही। थर्ड गेंद हार्दिक पांड्या की, ओ थर्ड गेंद भी बहुत बढ़िया, फाफ दुप्लेसी का कोई चांस ही नहीं ले रहा, लास्ट ओवर चल रहा है लेकिन फाफदुप्लेसी ने अभी तक कुछ नहीं कर पाया, क्यों नहीं। और एक बहुत बढ़िया बॉल और एक बहुत बढ़िया कैच हार्दिक पांड्या की, फाफदुप्लेसी कुछ भी नहीं कर पाया, पूरा का पूरा फ्लॉप गया फाफदुप्लेसी ने, और हार्दिक पांड्या यहाँ पर क्या गेंदबाजी, क्या थर्ड अंपायर रिव्यू लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, बहुत बढ़िया एज, और यहाँ पर ऋषभ पंत की तरफ से बहुत बढ़िया कैच, फाफदुप्लेसी ने सिर्फ 10 गेंद खेलकर सिर्फ 1 रन बना पाया, फाफदुप्लेसी पूरा का पूरा फ्लॉप चला गया। 5 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका ने कट किया 39 2 विकेट की नुकसान पे, भुवनेश्वर कुमार ने एक विकेट लिया, हार्दिक पांड्या ने एक विकेट लिया, हेंड्रिक्स ने नॉट आउट था 14 गेंद पे 29 रन बनाया, हेंड्रिक्स कार्लसन ने 2 गेंद पे 1 रन बनाया। यहाँ पर आप देख सकते हो भुवनेश्वर कुमार ने एक ओवर पे 6 रन दिया, खलील अहमद ने एक ओवर पे 5 रन दिया, जसप्रीत बुमराह ने बहुत महंगा साबित हुआ एक ओवर पे 17 रन दिया, कुलदीप यादव ने एक ओवर पे 8 रन दिया, हार्दिक पांड्या एक ओवर पे सिर्फ 1 रन दिया और एक विकेट भी मिला, बहुत बढ़िया। आप आएगा इंडिया के बैटिंग तो चलो, और यहाँ पर हमारा रोहित शर्मा आ गया, काफी को राबादा बॉल करेगा, 5 ओवर काफी को राबादा करेगा, यहाँ पर रोहित शर्मा बैटिंग करेगा। पहली गेंद क्या होता है देखने के बाद है, यॉर्कर पहली गेंद यॉर्कर, लेकिन नहीं नो डायरेक्ट हिट किया था, लेग साइड पे आई थिंक मारने का कोशिश जरूर करेगा क्योंकि लेग साइड पे एक बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप पे शक, मैंने इस गैप के बारे में ही बोला था, और उस गैप की तरह ही सिखा था, एक बहुत बढ़िया शॉट खेला, क्या फ्लिक शॉट था, बहुत बढ़िया फ्लिक शॉट और एक चौका। इस ओवर की लास्ट गेंद आई थिंक एक तो शॉट रिस्क लेना चाहिए, एक रिस्क तो बनता है भाई लास्ट गेंद, और यहाँ पर ओ कैच ड्रॉप कर दिया, भाई कौन है मालूम नहीं लेकिन कैच इन्होंने ड्रॉप कर दिया। इस ओवर का तीसरा गेंद जो सामना करेगा वो है हमारा हिटमैन रोहित मैन शर्मा, ये बाउंसर था ओ, लेकिन क्या लाख था, इमरान ताहिर आ गया दूसरा ओवर के बाद 17 रन है, अब इमरान ताहिर आ गया क्या होगा देखने के बाद है, ओ इमरान ताहिर ने बहुत बढ़िया गेंद, और यह पहाड़ आउट, आई थिंक आउट ही है, स्वीप खेलने का कोशिश था आई थिंक, 2 रिव्यू है तो ले लेता है क्योंकि शॉट बहुत गंदा था, बहुत बाउंस था गेंद पर, और इसको स्वीप शॉट नहीं खेलना चाहिए, शिखर धवन को गेंद में स्वीप शॉट नहीं खेलना चाहिए, देखो तो एक गेंद पे स्वीप शॉट लगाया था लेकिन ओ ये तो पूरा आउट है, रिव्यू क्यों लिया मेरे को मालूम नहीं है, 2 था इसीलिए एक ले लिया लेकिन नहीं लेना चाहिए। और पिचिंग इन लाइन बल सीधे रहेगा, उसके बाद पढ़ने का बाद इन लाइन और हिटिंग द विकेट मिडिल स्टंप, बहुत सही इमरान ताहिर का बहुत बढ़िया एम है, मिडिल स्टंप में मार रहा है, बीच में एक बंदा है तब भी मिडिल स्टंप पे हिट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर शिखर धवन आउट हो गया 9th गेंद पे 11 रन बना के, अब बल्लेबाजी करने आएगा हमारा चिकू भैया द रन मशीन विराट कोहली, क्या करेगा वही देखने का बात है, एक रन मिलेगा आई थिंक, और डाइव तो लगाया रोहित शर्मा ने लेकिन आई थिंक पहुंच नहीं पाया आई थिंक,
बहुत बढ़िया विकेट, यहाँ पर दूसरा गेंद पे दूसरा विकेट, डाइव लगा था लेकिन रोहित शर्मा पहुंच नहीं पाया और यहाँ पर इंडिया की दूसरा विकेट गिरता हुआ। चौथी गेंद इमरान ताहिर का इस ओवर पे और फ्लिक शॉट खेला और एक चौका, यहाँ पर ऋषभ पंत ने एक चौका मार के टीम से सर से ऊपर से प्रेशर हटा लिया। बहुत बढ़िया शॉट था ऋषभ पंत के, आई थिंक फेवरेट शॉट में फेवरेट शॉट से एक शॉट है। सीधा बल्ले से खेला और बहुत बढ़िया छक्का इमरान ताहिर का, एक गेंद ऋषभ पंत ने पूरा सीधा बल्ले से खेला और बहुत बढ़िया छक्का डाउन द ग्राउंड। ऋषभ पंत ऑन फायर, ऋषभ पंत आज कमाल ही कर रहा है, कीपर पे एक बहुत बढ़िया कैच लिया और यहाँ पर एक चौका एक छक्का लगातार बहुत बढ़िया। 8 बॉल पे 12 रन चाहिए, बहुत हार्ड हो रहा है अभी अब। और यहाँ पर एक पुल, बहुत बढ़िया पुल चौड़ा और यहाँ पर चौका जाएगा और अगर आइडियल है, सब कुछ आइडियल है, यहाँ पर बहुत बढ़िया पुल चौड़ा ऋषभ पंत ने, बहुत बढ़िया शॉट है, बहुत बढ़िया शॉट। अब थोड़ा सा प्रेशर हल्का हो गया है, अभी भी 8 रन चाहिए वो भी 7 गेंद पे से। ऋषभ पंत को तो शॉट लेना पड़ेगा और बहुत बढ़िया शॉट यहाँ पर, आई थिंक कैच आउट हो जाएगा, टाइमिंग नहीं कर पाया। और नो, क्या लाख है भाई, कैच तो ड्रॉप कर दिया और यहाँ पर पहुँच भी गया विराट कोहली ने, इजी कैच ड्रॉप कर रहा है भाई, क्या बताओ, पूरा का पूरा इजी कैच है, वो क्यों ड्रॉप करता है भाई, कोई ड्रॉप करता है क्या? आई थिंक इंडिया जीत सकता है यहाँ पर। और ये रहा बहुत बढ़िया विराट कोहली फिनिशिंग द मैच ऑफ हिम स्टाइल, ये धोनी से होना चाहिए लेकिन ये विराट कोहली से हुआ, बहुत बढ़िया सिक्स मारा यहाँ पर, देखो डाउन द ग्राउंड शॉट, बहुत बढ़िया शॉट, बहुत बढ़िया, क्या सिक्स लगा विराट कोहली और मैच को क्या ख़त्म किया विराट कोहली ने सिक्स मार के, देखने का लायक है, बहुत सही, मज़ा आ गया। अरे यार मैच ख़त्म हो गया ना, हाँ इंडिया इंडिया वन बाई, अच्छा 3 विकेट का मैच था इसीलिए इंडिया वन बाई 1 विकेट, क्योंकि 2 विकेट बहुत बढ़िया से गिर गया था। ठीक है, कौन मैन ऑफ द मैच होता है, मैन ऑफ द मैच हुआ रेज़ा हेंड्रिक्स, क्योंकि रेज़ा हेंड्रिक्स ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी किया, 14 गेंद पे 29 रन बनाया, बहुत सही। और यहाँ पर ऋषभ पंत और विराट कोहली की, ऋषभ पंत शिखर धवन ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी किया, विराट कोहली ने लास्ट में एक छक्का मारा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो साउथ अफ्रीका 2 मैच खेल के 1 विन हुआ 1 लॉस हुआ, न्यूजीलैंड 1 मैच खेल के 1 विन हुआ, इंडिया 2 मैच खेल के 1 विन 1 लॉस हुआ, ऑस्ट्रेलिया 1 मैच खेल के 1 लॉस हुआ। तो अभी साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड और इंडिया के पॉइंट तो सेम है लेकिन साउथ अफ्रीका और इंडिया ने एक एक साधा मैच खेला। तो नेक्स्ट मैच है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट मैच में और मैं नेक्स्ट मैच इंग्लैंड की तरफ से करूँगा क्योंकि ये इंग्लैंड का होम ग्राउंड है। तो यही इस वीडियो यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना क्योंकि ऐसे में वीडियो बनाता रहता हूँ। यहाँ पर फेबुलस 5 का सीरीज चल रहा है और बैकग्राउंड पे, तो बैकग्राउंड पे नहीं है, अलग से माइनक्राफ्ट की कंबाइंड मोड का भी सीरीज चल रहा है, तो वो भी देखो ये भी देखो, आई थिंक मज़ा आएगा। अगर कहीं पर भी कुछ इम्प्रूवमेंट करने का ज़रूरत है मुझे तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ए मैच में 2-2 छक्का लगाया, एक ऋषभ पंत ने डाउन द ग्राउंड शॉट लगाया, एक विराट कोहली ने डाउन द ग्राउंड शॉट लगाया, स्ट्रेट बैट सीधे बल्ले से छक्का मारा, वो कौन सी छक्का आपको पसंद आया ज़्यादा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।